क्लास 12th के चैप्टर नंबर 8 का एक टॉपिक है, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी ये तक हम इसके सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं, ये हमारा इसका टॉपिक बचा हुआ है, लास्ट टॉपिक। इसके बाद हमारा क्लास 12th का ये चैप्टर नंबर 8 भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम ऑप्टिक्स को करने वाले हैं। तो इसके यूजेस पढ़ लेते हैं। ये एमपी बोर्ड में यदि यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है या 3 नंबर का भी आता है तो यूजेस यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो आइए यूजेस पढ़ लेते हैं इनके। तो सबसे पहले यूज़ पढ़ते हैं इसके लिए रेडियो वेव के लिए। तो इन सब के यूज़, जितनी भी 7 वेव होती हैं, इन सब के यूज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आप इनको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो रेडियो वेव के लिए हमारे यूजेस हैं, और इससे पहले आपने यदि और वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखिएगा। तो क्लास हमारे 12th की बंस लगा के 8 चैप्टर तक है, उनको अच्छे से पढ़ के आइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे पहली बात है रेडियो वेव की। तो दीज आर यूज इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वगैरह ये टॉपिक है, ये हम 14th चैप्टर है हमारा सेमीकंडक्टर वाला, उसमें अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अभी तक आप ये याद रख लीजिए बस कि इनका यूज़ किसका, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए किया जाता है। दे आर यूज इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसको हम AMB बोलते हैं। दूसरा है दे आर यूज इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मतलब FM। ये FM तो आपने सुनी भी होगी, जैसे कि आपने यदि पुराने टाइम में देखी हो, अभी भी चलती है, एक सिग्नल वाली बटन रहती है, उसको हम यदि किसी फ्रीक्वेंसी पे मैच कर जाती है तो वहाँ पर कोई चैनल लग जाता है, जैसे कि रेडियो मिर्ची वगैरह, ये सारे भारती, ये सारे चैनल वहाँ पर आते हैं जो FM चलती है। तो वहाँ पर क्या, फ्रीक्वेंसी जब मैच कर जाती है तो वहाँ पर हमारे चैनल पर हमारे सिग्नल मिलने लगते हैं, और फिर हमें गाने वगैरह जो भी है सुनाई देने लगते हैं। तो ये FM का फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन कैसा कुछ वर्क होता है, वो हम 14th चैप्टर में अच्छे से समझने वाले हैं। तो दीज आर यूज्ड फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और दीज आर यूज्ड इन सेल फोन। जो हमारे मोबाइल फ़ोन होते हैं उनके में भी इनका यूज़ किया जाता है, सेल फोन वगैरह इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। और दीज आर यूज्ड इन टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। इसका यूज़ किसके लिए, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। जो हमारा मैच वगैरह लाइव आते हैं, मैच लाइव कैसे आते होंगे, आप ऊपर हमारी सैटेलाइट लगी हुई हैं, सैटेलाइट से एक जगह फिर दूसरी जगह डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है, डाटा ट्रांसफ़र होने से वही टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, मैच वगैरह लाइव हम देखते हैं, तो वो इसी तरह इन्हें रेडियो वेव की हेल्प हम देखते हैं। तो इसके 4 यूज़ हो गए हमारे सेलफोन के लिए, मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन और टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग में हमारी रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारी आती है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का यूज़ कैसे किया जाता है, दीज आर यूज फॉर कुकिंग पर्पस इन माइक्रोवेव ओवन। ये आपने देखा होगा, इनका कुकिंग पर्पज़ के लिए माइक्रोवेव का यूज़ किया जाता है। जो ओवन आपके घरों में होंगे भी, जैसे बाटी वगैरह आपने यदि देखा हो, तो वो कैसे, वो और ओवन जिस तरह वो हम यूज़ करते हैं केक में वगैरह में, ये सारे हमारे वो माइक्रोवेव पे ही हमारे बेस होते हैं। जैसे कि आप यदि बेकरी वगैरह पे गए होंगे, यदि समोसा आपने इनका खाया, तो वो कैसे गर्म होते हैं, लेकिन वो बाहर से ज़्यादा गर्म नहीं होते, वो क्या आलू के अंदर, वो आलू अंदर रहते हैं, तो वो गर्म कैसे हो जाते हैं। तो वो इसी तरह वो इन्हीं माइक्रोवेव इनमें रखते हैं उनको, और वो कैसे गर्म हो जाते हैं। तो वो किसी माइक्रो को किसके हेल्प से होता है, माइक्रोवेव की हेल्प से ये सब कुछ होता है। तो दीज आर यूज फॉर कुकिंग पर्पस इन माइक्रोवेव। इनका यूज़ कुकिंग पर्पस से किया जाता है माइक्रोवेव ओवन में। उसके बाद क्या है, दीज आर यूज इन रडार सिस्टम फॉर एयरकास्ट एयरक्राफ्ट नेविगेशन। तो एयरक्राफ्ट नेविगेशन में इसका क्या, रडार के लिए, रडार सिस्टम के लिए किया जाता है। जो हमारे एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं उसमें इसका रडार सिस्टम में इनका माइक्रोवेव का यूज़ किया जाता है। उसके बाद क्या, टू मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल और स्पीड ऑफ क्रिकेट बॉल। इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, मेजर करने के लिए स्पीड ऑफ व्हीकल और स्पीड ऑफ क्रिकेट बॉल के लिए। ये आपने देखा होगा कि यदि आप मैच वगैरह देखते हैं तो वो नीचे नीचे लिखा आता है कि ये बॉल 150 की थी, 130, 143, तो वो कैसे, इन्हीं माइक्रोवेव की हेल्प से ये मेजर किया जाता है। और स्पीड ऑफ व्हीकल, जैसे कि आपने देखा होगा जो चालन वगैरह करते हैं, तो उन कैसे चल जाता है कि इस व्हीकल की स्पीड ज़्यादा थी, कितनी थी, इतनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, कितनी इसकी व्हीकल की स्पीड थी, तो वो इन माइक्रोवेव की हेल्प से ही वो जो हमारे पुलिस मैन होते हैं वो पता कर लेते हैं कि इस व्हीकल की, उनकी जो कार होती है उस पर ये टूल लगा होता है माइक्रोवेव वाला, तो उसकी हेल्प से मेजर कर लेते हैं स्पीड होती है व्हीकल की। और क्रिकेट बॉल का तो आपने देखा होगा यदि आप मैच वगैरह देखते हैं, तो इस तरह से इसको माइक्रोवेव का 3 यूज़ होते हैं, और भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 3 ही लिखे हैं, इतने आपके लिए सफिशियंट होंगे। तो इनका यूज़ कुकिंग पर्पस के लिए और रडार सिस्टम में, एयरक्राफ्ट नेविगेशन के लिए, और स्पीड ऑफ व्हीकल और क्रिकेट बॉल इन सब को मेजर करने के लिए हमारे माइक्रोवेव का यूज़ किया जाता है। तो अब देखते हैं और वेव का और रेस का यूज़ कैसे किया जाता है, तो देखते हैं और।
आइए बच्चों, आप और वेव को यूज़ देख लेते हैं, जैसे कि इन्फ्रारेड वेव, इसका यूज़ क्या होता है। अभी तो हम दो के देख चुके हैं, तीसरी हमारे इन्फ्रारेड वेव का यूज़ क्या होता है देखते हैं। दीज आर यूज इन अ फिजियोथेरेपी टू ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन। ये किसका, इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, फिजियोथेरेपी के लिए किया जाता है, मस्कुलर ट्रेन, मस्कुलर जो ट्रीट का होता है, मस्कुलर स्ट्रेन का, उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, किसका, इन्फ्रारेड वेव का। और दीज आर यूज इन अ सोलर वाटर हीटर एंड कुकर। इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, सोलर वाटर हीटर होते हैं हमारे, जो कि सनलाइट से हमारे गर्म करती हैं, और सोलर कुकर, सोलर कुकर आपने देखा भी होगा, 10th क्लास में डायग्राम बनाया होगा, सोलर कुकर रहता है, उसके अंदर राइस रखा होता है, वो सनलाइट से गर्म होता है, उसके बाद वो कुक हो जाता है, इस तरह से वो वर्क करता है वो सोलर कुकर। ये सब इन्फ्रारेड वेव पे हमारे बेस्ड होते हैं। उसके बाद है, दे आर यूज फॉर वाट वेदर फोरकास्ट, वेदर फोरकास्टिंग, दीज आर यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग मतलब कि पहले यहाँ का तापमान, यहाँ की किस तरह से यहाँ का वेदर रहने वाला है, इसकी फोरकास्टिंग करने के लिए हमारे किसके यूज़ किया जाता है, इसके, दीज आर यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग, इसका यूज़ वेदर फोरकास्टिंग के लिए किया जाता है, किसका, इन्फ्रारेड वेव का। उसके बाद विजिबल लाइट आती है, ये विजिबल लाइट, इसका यूज़ बार बार पूछे जाते हैं, तो इसका यूज़ क्या होता है, टू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड। विजिबल लाइट कौन सी होती है, जिसके कारण हम सब कुछ देख सकते हैं, हम आपको सबको इस सारी ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देखने के लिए इस विजिबल लाइट का यूज़ किया जाता है, मतलब जिसके कारण हम देख सकते हैं, वो होती है हमारी विजिबल लाइट। और उसके बाद इन स्क्रीन, इन मूवी स्क्रीन, इन सिनेमा हॉल्स, इसका मूवी स्क्रीन, सिनेमा हॉल, जिसमें मतलब सब कुछ जो भी हम देख सकते हैं वो सब इन विजिबल लाइट के कारण ही पॉसिबल। और इन लेज़र्स, लेज़र वगैरह, इन सब में भी इसी विजिबल लाइट का यूज़ किया जाता है, जिस मतलब जिस चीज़ को हम देख सकते हैं वहाँ पर सब जगह विजिबल लाइट का यूज़ किया जाता है, क्योंकि हम बस विजिबल लाइट के कारण ही सब कुछ, ब्यूटीफुल वर्ल्ड, बर्ड, सब कुछ इसी की वजह से देख सकते हैं, इस विजिबल लाइट की वजह से। तो ये हमारी इन्फ्रारेड वेव थी, विजिबल लाइट थी, विजिबल लाइट की वजह से तो हम सब कुछ देख पा रहे हैं, ये तो आपके, इसके तो आप खुद भी लिख सकते हैं, टू सी द ब्यूटीफुल बर्ड, बर्ड्स, एनिमल्स, ETC, जो भी आप देखना चाहें। उसके बाद इन्फ्रारेड का फिजियोथेरेपी के लिए किया जाता है, किस, मस्कुलर स्ट्रेन को दूर करने की, ट्रीट करने के लिए। उसके बाद सोलर वाटर में हीटर, जैसे सोलर वाटर हीटर रहते हैं, सोलर कुकर रहते हैं, उनमें इसका यूज़ किया जाता है। और वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद देखते हैं हमारे नेक्स्ट जो वेव है उनके यूज़ और देख लेते हैं हम। चलिए बच्चों, कुछ और वेव के यूज़ बचे हुए थे, तीन चार वेव और बची हुई थी, उनको और देख लेते हैं। एक थी हमारी कौन सी, अल्ट्रा वायलेट रेज। तो आइए देखते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज के यूज़ क्या हो सकते हैं, टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया इन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। जो बैक्टीरिया होते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में, उनको यहाँ पर ख़त्म करने के लिए किसके, अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज़ किया जाता है, किसके लिए, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट रहते हैं उसका, ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे किसका, अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज़ किया जाता है। इन बर्गुलर अलार्म, ये बर्गुलर अलार्म क्या होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, ये कैसे होते हैं, ये अल्ट्रा वायलेट रेज के, अल्ट्रा वायलेट रेज बनी होती है, और यदि जो थीप होता है उन अल्ट्रा वायलेट को कट कर देता है, मतलब कि उनके बीच में आ जाता है, तो जो अलार्म होता है वो बजने लगता है, बर्गुलर अलार्म बजने लगता है। आपने एक पिक्चर देखी होगी, वो रेड रेड लाइन रहती है, यदि कट हो जाती है तो वो बर्गुलर अलार्म बजने लगता है। तो इसी तरह ये होता है, जो रे होती है यदि वो कट लगती है, यदि उनके बीच में कोई आदमी आ जाता है तो वो कट जाती है, वो अलार्म बजने लगता है। तो इस तरह ये बर्गुलर अलार्म हमारे होता है। इन वाटर प्योरीफायर्स, वाटर प्योरीफायर्स में इसका यूज़ किया जाता है, अल्ट्रा वायलेट रेज का। आपने कैंट वगैरह की एड देखी होती है, अल्ट्रा वाले उस पर लिखा होता है अल्ट्रा वगैरह, आप देखिए, यदि प्योरीफायर आपके घर पर हो तो देखिएगा, इन वाटर प्योरीफायर्स में अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, प्योरीफाई कैसे करेगा, बैक्टीरिया ख़त्म करेगा, बैक्टीरिया ख़त्म करता है हमारा ये अल्ट्रा वायलेट रेज, तो इस तरह इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद एक्सरे, टू डिटेक्ट फ्रैक्चर्ड बोन्स, डिटेक्ट फ्रैक्चर्ड मतलब कि आपके यदि कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो आपको एक्सरे कराया जाता है। तो एक्सरे क्यों कराया जाता है, एक्सरे में, एक एक्सरे में लाइट जाती है आपकी बॉडी के अंदर, लाइट जाती है और बाहर आती है। यदि आपका कोई फ्रैक्चर होता है तो बाकी आप एक्सरे देखा हो तो काला काला दिखता है, वहाँ से थोड़ी क्या लाइट दिखती है, तो वहाँ से लाइट पास हो जाती है, तो इसी कारण वो एक्सरे वहाँ पर किया जाता है। आप यदि एक्सरे को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह ये काम करते हैं, टू डिटेक्ट फ्रैक्चर्ड बोन्स, इसमें फ्रैक्चर को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद टू डिटेक्ट एक्सप्लोजिव इन द बॉडी ऑफ स्मगलर, मतलब इसका यूज़ किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए कि जो स्मगलर रहते हैं वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी में ही जो वगैरह, जो जो कि हमारे कुकिन वगैरह होते हैं, जो कि हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, उनका बॉडी में छुपा के ले जाते हैं, तो स्मगलर वगैरह, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए हमारा क्या है, ये एक्सरे का यूज़ किया जाता है। और उसके बाद क्या है, इन डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स,
ऑफ ब्रिजेस, जो ब्रिज होते हैं हमारे, पुल वगैरह होते हैं, उनमें जो क्रैक पड़ जाते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए भी क्या है हमारे, ये एक्सरे का यूज़ किया जाता है। मतलब एक्सरे उसमें करके देखते हैं उसका, और उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर इसमें क्रैक है, और वहाँ से उसे भर देते हैं। तो इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। इसके अच्छे अच्छे यूज़ हैं कि क्रैकर्स जो कि ब्रिज के क्रैक होते हैं उनको भरने के लिए इसके एक्सरे किया जाता है। हमारी बोन फ्रैक्चर हो जाती है, इस तरह से उनको डिटेक्ट करने के लिए इस एक्सरे का यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारी आती है गामा रेस। गामा रेस हमारी, इनके लिए इनका यूज़ किसके लिए किया जाता है, इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इसका यूज़ किसके लिए, जो कैंसर होता है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए गामा रेस का यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ किया जाता है, गामा रेस का यूज़ किया जाता है किसके लिए, जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है उसके लिए। उसके बाद टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन, जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, जो कि हमारा न्यूक्लियर एटम होता है, जो कि हमारे इंडिया के पास है, बाकी और बहुत सारे कंट्री के पास। तो न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे, ये गामा रेस की वजह से ही होती है। तो ये हमारे यूजेस थे इन यूजेस ऑफ अल्ट्रामैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। तो ये इसी के साथ हमारे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर खत्म होता है। समझ में आया होगा, छोटा चैप्टर था लेकिन इससे बहुत इंपॉर्टेंट है एमपी बोर्ड से। इससे ऑब्जेक्टिव वगैरह बहुत आते हैं और यूजेस आते हैं, और या तो ऑब्जेक्टिव आएगा या यूजेस आएंगे, बाकी इससे बहुत ज़्यादा कोई खास चीज़ नहीं आती। बस वो एक टेबल बनाई थी हमने, तो टेबल से ऑब्जेक्टिव आते हैं और ये यूजेस आते हैं। यूजेस कर लेना और टेबल कर लेना, इतना आपके लिए सफिशेंट होगा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर जो कि 9 चैप्टर है, ऑप्टिक्स बड़ा चैप्टर है, तो उसको पढ़ेंगे हम। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, पढ़ते रहिए। थैंक यू।